दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे कि रेविट आर्किटेक्चर के अंदर जब आप स्टेयर्स को क्रिएट करते हो मल्टीपल स्टोरीज पे, तो जो ये स्टेयर का पार्ट होता है, जो आपका रेलिंग्स का पार्ट होता है, उसे हमें अटैच करना है तो किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो ये काफी स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर हम इसको किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ नॉर्मली हम कैसे अटैच कर सकते हैं, फिर है कि आप किस तरीके से बाकी सारी चीजों का एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास ये रेलिंग है, हम रेलिंग को सिलेक्ट करेंगे और एडिट पाथ करेंगे। जैसे आप एडिट पाथ करेंगे, अब आप लेवल वन पे जाएंगे तो देखो आपका रेलिंग का पाथ नजर आएगा यहाँ पे। अब हमें इस पाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे है 2500, यहाँ पे जो लेंथ है 2500 है, तो अप्रोक्स इसे मैं कर देता हूँ 600 mm, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, तो मैं इसे कर देता हूँ 3100। तो आप यहाँ पे देखेंगे 600 mm ये आगे की तरफ आ गई है। अब लाइन की हेल्प से मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ कि अब मुझे इधर जाना है, और फिर इसकी हेल्प से मैं इधर की तरफ डायरेक्शन देता हूँ, इधर की तरफ हम आ जाते हैं अप्रोक्स 300 mm। तो इस तरीके से हम 300 mm यहाँ पे आए, या फिर 150 mm आ जाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? अगर आप अब इसे फिनिश करते हो और 3D में जाके देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपकी रेलिंग इस तरीके से यहाँ पे आ गई है। अब इस रेलिंग को मुझे यहाँ पे इस तरीके से अटैच करना है, तो मैं इस रेलिंग को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट पाथ पे क्लिक करता हूँ, लेवल टू पे जाता हूँ। अब इस रेलिंग को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करके मैं यहां तक ले आऊंगा, इसके यहां तक, जहां तक ये रेलिंग है, यहां तक मैं देखो इस तरीके से ले आऊंगा आगे की तरफ। ठीक है, एंड कर दो यहाँ पे फिनिश, 3D पे जाओ, तो अब आप देखोगे जो आपकी रेलिंग है वो आगे की तरफ आ गई और उससे यहाँ पे मिल गई है। अब आपकी एक कंटिन्यूटी बन गई है यहाँ पे। क्लियर है? बट अगर ऐसे हुआ होता कि एडिट पाथ पे क्लिक करके मान लो मैंने इसको किया पीछे की तरफ, इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाया 2500 से, मेरे को सिर्फ 600 बढ़ाना है, तो 300 बनाना है, तो मैंने 2800 कर दिया, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए ये। ठीक है, एंड मैंने कर दिया फिनिश और इसको सिलेक्ट किया, एडिट पाथ पे क्लिक किया। अब मेरे को इतना आगे नहीं लेके जाना मान लो, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं 2800 करता हूँ, या मैनुअली मैं जितना भी करना चाहता हूँ उतना मैं करता हूँ इसे। और अब इसे मैं यहां से कंटिन्यूटी में इधर की तरफ लेके जाता हूँ, और इधर की ले की तरफ जाके मैं इधर की तरफ मैं इसे करता हूं 150 एंटर और फिनिश। अब आप यहां पे देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मान लो मेरे को तो स्पेस इतना ही रखना है, अब मेरे को अटैच करना है, तो मैं किस तरीके से अटैच करूं। अब जो अटैचमेंट होगी वो देखो, ये जो स्लोप आया है वो यहां पर आ गया है और ये वाला स्लोप इधर की तरफ यहां पर आ गया है, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से एल शेप में फिर इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं ऊपर वाली रेलिंग को, एडिट पाथ पे जाओ, लेवल टू पे क्रिएट करो और यहां पे क्लिक करके जो आपकी रेलिंग है इसको पीछे की तरफ ले जाके यहां पे अटैच करो, फिनिश करो, 3D पे जाओ। तो अब आप देखोगे कि यहां पे इस तरीके से आपकी रेलिंग आ गई है। अब अगर ये वाले पार्ट को मैं स्ट्रेट नीचे की तरफ ले आऊं तो ये इससे अटैच हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी रेलिंग को, मैं दूसरे वाली रेलिंग को डिलीट करता हूं क्योंकि इसकी हमें नीड नहीं है। अब मैं इस रेलिंग को अगर टैब प्रेस करके सिलेक्ट करूं तो मैं सिर्फ रेलिंग को सिलेक्ट कर सकता हूं। अब एडिट रेल पे क्लिक करो। अब एडिट रेल पे क्लिक करने के बाद अब ये रेल का पाथ आ जाएगा आपका। अब आप अपने पाथ को एडिट पाथ पे क्लिक करो और एडिट पाथ पे क्लिक करने के बाद लाइन लो और यहां से आप नीचे की तरफ स्ट्रेट पार्ट बना दो। ऐसे जैसे स्ट्रेट बनाओगे तो आप देखोगे ये जो पार्ट बना वो यहाँ पे बन गया, बट थोड़ा सा आगे करके मेरे को बनाना है, तो आप इसे अंडू कर सकते हो और अंडू करने के बाद आप इस पाथ को हल्का सा आगे की तरफ लेके आओ और फिर हल्का सा आप इसे नीचे की तरफ स्ट्रेट लेके जाओ। अंडू, वन सेकेंड, अंडू किया है यहाँ पे। जैसे ये वाला पार्ट मैंने हल्का सा यहाँ पे लेके आया, इसको भी मैं अंडू करता हूँ, इसको मैं नीचे की तरफ ही करता हूँ कि यहां तक मेरे को लेके जाना है। तो ये वाला पार्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया और इस वाले पार्ट को एडिट पाथ करके
मैं हल्का सा इसको आगे की तरफ लेके चला जाऊंगा अगर लेवल टू पे जाके देखता हूं ताकि ऊपर वाले मेरे को डायरेक्ट दिखे, इसको मैं यहां तक लेके जा रहा हूं एंड फिनिश 3D पे जाके देखो तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाएगा। ये सिंपली आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको इसे हल्का सा करके देखना है इस तरीके से थोड़ा आगे जाके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को अटैच देख सकते हो। क्लियर है? अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का ये स्ट्रक्चर चाहते हो, किस तरीके का ये पाथ चाहते हो कि आप इसे कनेक्ट कर पाओ। आपको सिंपली टैप प्रेस करके रेलिंग को सिलेक्ट करना है या फिर एडिट प्रोफाइल करना है। पहले रेलिंग को सिलेक्ट किया, एडिट पाथ पे क्लिक किया, लेवल टू पे गया। अगर मान लो मेरे को ये हल्का सा और पीछे रखना है कि मेरे को यहाँ पे रखना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्टेयर से, यहाँ पे फिनिश करो 3D पे जाओ, तो अब आप देखोगे ये वाला प्रोफाइल यहाँ पे आ गया। अब आप इसको टैब की प्रेस से हेल्प के सिलेक्ट करें, एडिट करें और इसको आप एडिट पाथ पे क्लिक करके इसको हल्का सा पाथ को नीचे की तरफ ले आए। इसको ही आप सिलेक्ट करके नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं, देखो कुछ ऐसे फिनिश करोगे और एक बार और फिनिश करोगे ऐसे आ गया। अब आप इसे इजिली एडिट पाथ पे क्लिक करके आप इसे इजिली आगे की तरफ लेके जा सकते हो। लेवल वन, लेवल टू, अगर मैं वायर फ्रेम ऑन करूं तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, यहाँ पे इसके वहां पे आप इस तरीके से लेके आ सकते हो। यहाँ फिनिश 3D, तो ये थोड़ा सा और आगे आ गया। थोड़ा सा आपको हल्का सा देख के करना है कि कितना मुझे आगे करना है कितना पीछे करना है, इस तरीके से आप कर सकते हो। बट अगर आपके पास करेक्ट डायमेंशन हो तो ये करना और इजी हो जाता है। और वो करेक्ट डायमेंशन आपको कहां से मिल पाएगी, हम एक काम करते हैं साइट पे चलते हैं, वायर फ्रेम ऑन करते हैं। देखो ये मिल गई करेक्ट डायमेंशन, इस वाली लाइन तक चलिए, फिनिश 3D, तो अब ये आपका बिल्कुल करेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया है और आप इस तरीके से आप कंटिन्यूटी में आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हो, कोई भी आपका प्रोफाइल यहाँ पे हो सकता है आपका रेलिंग का, आप सिलेक्ट करके कोई भी रेलिंग का प्रोफाइल चूज कर सकते हो या कुछ भी जो आपका, अगर सर्कुलर रेलिंग है, देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये कनेक्शन आया है, इसको भी आप अपने तरीके से अटैच कर सकते हो कि रेलिंग को सिलेक्ट करो, एडिट रेल पे क्लिक करो कि आपको किस तरीके का यहाँ पे पाथ चाहिए। मान लो आप यहाँ पे ये वाला पाथ बनाया हुआ, देखो यहाँ पे प्रोफाइल इसने, आप लोड कर सकते हो प्रोफाइल की, मेरे को सर्कुलर प्रोफाइल चाहिए। आप फिनिश करोगे तो आपका सर्कुलर प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ओनली इस चीज के लिए, रेलिंग के लिए। नीचे वाले को भी आप सर्कुलर कर सकते हो और उसके तरीके से उसे अटैच कर सकते हो। तो ये था टेक्निक कि आप रेलिंग्स को किस तरीके से अटैच कर सकते हो और कंटिन्यूटी में आप ऊपर तक इसे लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।